Tasmai Sri Gurave Namah. Vancha Kalpatam Khascha Kripasim Bhaktyaiva Cha Patitanam Pamanibhyo Vaishnavibhyo Namah. Namo Mahavatannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurakrishna. Gurave Gauga Chandraya Radhikayai Tadave Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Yam Praprajanta Mante Tamapeta Krityam Dvaipanyano Virabhakataraya Juma Potreti Tanmaitaya Tarvohinedu Tam Sarvabhutaridayam. मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पार शिष्णु भक्ति पर ज्ञान के गोस्वामी महाराज के चरणों में सतकोटि दंडत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सज्जन मंडली, वैष्णव बंधु सज्जन मंडली, माताएं बहने और कन्याएं, यथा योग्य सबके लिए अभिराम। मैं आज श्रीमद् भागवत प्रारंभ करने के पहले एक प्रश्न मेरे सामने आया है। मैं यहाँ तक शास्त्रों का विचार है, उस दृष्टि से उसका उत्तर मैं देने की चेष्टा करता हूँ। यह महाराज जी, हमारे देश में छोटी छोटी कई समस्याएं हैं, मगर उनमें से दो प्रमुख रूप हैं। आपसे आग्रह है कि आप इन दोनों को प्रमाण सहित सुलझाने की कृपा। यहाँ पर प्रचार किया जाता है कि जो चार वर्ण के लोग हैं उन्हें भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, और उदाहरण स्वरूप अगर एक ब्राह्मण का पुत्र हो तो वो पूजनीय है, चाहे वो मांस मक्ख और शराब तराब सबका भक्षण करता है, ऐसा प्रचार किया जाता है। ऐसा भी प्रचार किया जाता है कि केवल एक ब्राह्मण कुल ही धर्म ग्रंथों का प्रचार कर सकता है, पहले और फिर महाभारत भागवत महापुराण के प्रचार से हमें यह मालूम हुआ है कि चार वर्ण तो कर्म के अनुसार में ही स्थापित किए गए हैं। अगर रामायण के इस चौपाई के द्वारा पूज्य ब्राह्मण विप्र ज्ञान गुण सूत्र में पूजे ज्ञान, तो इसके संबंध में शास्त्र में जो कहा गया है इसके समुचित उसका उससे उत्तर दे करके मैं मंशा करने की चेष्टा करूंगा, और इसके बाद में श्रीमद् भागवत का बहुत ही सुंदर प्रवचन हम लोग कुछ पढ़ाएंगे। इस विषय में हमारा ये कहना है कि सबसे पहले गीता सर्वमान्य पुस्तक है, सब विषयों की मीमांसा करने वाली है, और उसके वक्ता स्वयं कृष्ण है, इसलिए इसमें किसी से बात की संदेह नहीं है। चाहिए चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाषा, कृष्ण स्वयं कहते हैं ये चार वर्ण मेरे द्वारा किए गए हैं, कैसे गुण और कर्मों के विभाग से, जो जैसा व्यक्ति है उसके गुण के अनुसार में देख करके और स्वभाव को देख करके ये सब तेरे द्वारा। पहले आप लोग इस चीज को समझें, सतयुग तक कोई जाति नहीं थी, बस एक परमहंस जाति थी, ब्राह्मण जाति थी, कि ब्रह्म से सभी ब्राह्मण ही उत्पन्न हैं, इसलिए एक जाति थी, दो कोई जाति नहीं थी। उसमें दो विभाग था, सूर और पशु, दो होते लोक सर सरे लोक दैव आसुर वच दैव आसुर च विष्णु भवेत भक्तो भवेत दैव आसुर तत्व। जो लोग भगवान को मानते थे वो लोग देवता ऋषि ब्राह्मण कहलाते थे, हंस जाति के, और बाकी लोग जो भगवान का विरोध करते थे उनको असुर कहा जाता था। किंतु त्रेता युग आने तक
निर्देश से, वेदों के निर्देश से, वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर लोक समाज का कल्याण करने के लिए इनको गुण और स्वभाव के अनुसार, जैसा भगवान ने गीता में कहा, चार कालों में भाग। जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, जिनमें दया शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वैसा अपना जीवन चलाते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। जो सूरवीर थे, देश की रक्षा कर सकते थे, राष्ट्र की रक्षा करते थे और अपने धर्म की रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय। और वैश्य जो अर्थ सहायता से सबकी सेवा करता था और इसके वर्ण के प्रतिबोध जो होते थे, ये चार वैश्य थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जस्य ज लक्षणं प्रोक्तो पुंसा वर्णाभिव्यञ्जकं जतन्यात्रिक दृश्यते तत्रै नैव विनिर्दिशति। ये चार गुण जो हमने कहा, ब्राह्मण वैश्य शूद्र के, इसमें यदि चारों वर्णों में से ब्राह्मण का स्वभाव जिनमें हो, सदाचार संपन्न, भगवत चिंतन करने वाले हो और उनमें विद्या अध्ययन इत्यादि का अभ्यास जिसमें गुण हो, सदाचारी हो, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा गया। ये यदि गुण यदि दूसरी जगह में देखे जाए, अर्थात जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र में भी ये गुण यदि देखे जाए, तो उनको ब्राह्मण ही मानो। कैसे मानो? एक लड़का था, त्रेता युग की बात, वो विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के पास में गया। उनके गुरु का नाम था गौतम, हरिद्रुति गौतम, ब्रह्मवादी ब्राह्मण ऋषि के तत्ववेत्ता, वेदों को जानने वाले। तो उस ऋषि ने उस बालक से पूछा, बेटा तुम्हारे तुम्हारा गोत्र क्या है? गोत्र माने पिता के अनुसार में गोत्र होता है। तो वो बोला, जैसे मैं तो नहीं जानता, जाओ पूछो मैया से। तो मैया से गया, पूछा और कुछ करके फिर आया, पूछाया तो हाँ, तो तुम्हारा गोत्र क्या है बताओ। तो उसने कहा कि देखो, हमारी मैया का नाम है जावाला, मैं उसका पुत्र हूँ सत्यनाम। युवावस्था में वो वेश्या थी, मैं वेश्या थी, और किससे तुम पैदा हुआ ये मैं नहीं जानती, इसलिए ऋषि से यही कहना कि मैं अपनी मैया जावाला का पुत्र हूँ। और जो अवस्था में उन्होंने कैसे हमको किससे पे हमारा धारण किया, मैं मुझे मालूम नहीं, इसलिए आप मुझे जावाला सत्य मान सकते। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण जी जो गौतम थे, बड़े प्रसन्न थे। ऐसा सच बात दूसरा ब्राह्मण के अतिरिक्त नहीं कर सकता। इसे सतर्कवादिता, ये है ब्राह्मणों का लक्षण स्वभाव का, इसलिए तुम जरूर ब्राह्मण बालक है। मैं तुम्हें जो उपनयन दे करके अभी भी अध्ययन कराता हूँ। उन्होंने साथी साथों से, और वो ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मर्षि को तत्व के आधार हुआ। कहते हैं महाभारत में बहुत से इसके प्रमाण है। कहते हैं शूद्रो अपि सामाजिको वेदो ब्राह्मणेश ब्राह्मणेव ब्राह्मणों अपि कामाद्युपेता शूद्र। यदि शूद्र पिता और माता के कुल में जन्मा यदि कोई व्यक्ति हो, किंतु उसमें ब्राह्मणों के गुण हैं, साम दम तितिक्षा आजव उदारता, ब्रह्म तत्व को जानने की पिपाशा, सबके साथ में मधुर व्यवहार, झूठ नहीं बोलना, तो उसको ब्राह्मण निश्चित ही समझो। और ब्राह्मण में भी यदि ये काम आदि हिंसा प्राणता इत्यादि हो, तो उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। जैसे रावण के पिता का नाम था, पितामह का नाम था पुलस्त ऋषि, उनके पुत्र थे विश्रवामुनि ब्राह्मण, और उनका पुत्र ये रावण, किंतु उसको राक्षस कहा, शूद्र से भी अधिक। यदि शूद्र यदि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण कहा जाता, तो ये मांस मछली सभी कहता था, क्यों नहीं तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति ने उसे आदर किया, या हमारे वाल्मीकि जी ने उसे ब्राह्मण क्यों नहीं माना।
श्रीमद् भागवत ऐसा उसे कहा गया जगत को रुनाने माना होने से उसका आराम हुआ मध्यमान से सबका दादा सीता जी का हरण करके ले आया इसलिए वो ब्राह्मण नहीं हुआ उसको राक्षस का कहीं भी ब्राह्मण यदि कहो विभीषण जी में तो ये सब गुण थे उन लोगों का संस्कार नहीं था किंतु वो भगवत भक्ति होने के कारण ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंचे हैं जिन लोगों में भगवत भक्ति है भगवान का भजन करते हैं वो बहुत उससे ऊपर है कहते हैं महाभारत में कहा गया कि मृगी थी हरिणी उसे ऋषि श्रृंग पैदा हुए हिरणी से पैदा हुए वो ऋषि श्रृंग थे महाराज दशरथ के यज्ञ में वो आए दृष्टि यज्ञ में उन्होंने यज्ञ कराया और उनको ब्राह्मण माना गया ब्राह्मणों में भी कैसा बहुत उच्च कोटि का तो ये कौन से जाति में रहे ये ब्राह्मण माने गए श्रृंगी के प्रीति से और उससे कौशिक हुए कौशिक इस कौशिक के पुत्र ही हमारे विश्वामित्र जी हैं तो ये तो उससे पैदा हुए तो इनकी क्या जाति रहेगी और वाल्मीकि जी तो ये वाल्मीकि माने होता है दीमक होता है उससे पैदा हुए तो वो रामायण का लेखा और वो ब्राह्मण में परम उच्चम ब्रह्मर्षि जी माने गए ये कैसे संभव हुआ अरे मछुआरे की बेटी से व्यास का जन्म हुआ व्यास का जन्म जानते हैं मछुआरे की वजह से मछुआरे माने मछली मारने वाला और उसे ये पैदा हुए व्यास की और वेश्या से पैदा वेश्या के ऊपर से उसे वशिष्ठ जी पैदा हुए जो रामचंद्र जी के उनके वंश के पुरोहित थे ये कैसे संभव हो गया और कुंभ से खड़े से तो अवस्थ जी पैदा हुए इनकी कौन सी जाति मानी जाएगी जिनको ब्राह्मण कहा गया इसलिए ब्रह्मजानामि ब्राह्मण ब्रह्म तत्व तो को जो जानने वाला वो ब्राह्मण है इसलिए कहते हैं जन्म ना जायते शूद्र जन्म से सभी लोग शूद्र हैं सब लोग शूद्र ही जन्म होते हैं है? और संस्कार संस्कार से वो ब्राह्मण इत्यादि के द्वारा संस्कार देने पर वो क्या बनाता है द्विज माने दूसरा जन्म द्विज दूसरा जन्म माता पिता से सब जन्म होता है उसमें सभी सूत्र होते हैं ब्राह्मणों का संस्कार हो तो वो भी सूत्र ही है पीछे से उनका स्वभाव और विचार देकर उनको माना जाता है ये ब्राह्मण है या कैसे और वेद पाठा भवति प्र वेदों का संस्कार होने के बाद में वेदों का जो पाठ करते हैं उनको कहते हैं पितृ और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाले जो इस जगत की सृष्टि करने वाले जो परब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं तब तो सिद्धार्थ जी ने वो जो कहा यदि पितृ यदि है पूजिय पितृ ज्ञान नहीं ना पितृ माने जो पहले जो मैंने कहा उसका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में और उसका द्वितीय संस्कार भी हुआ गायत्री मंत्र को पाया किंतु ब्रह्म जाने वाला ये पुरुष में नहीं है फिर भी उसको आदर करना चाहिए क्यों संस्कार हुआ है गायत्री का प्रवचन गायत्री का जप करता है और ब्राह्मणोचित गुण है किंतु अभी ब्रह्म को भी जान नहीं सका अभी उसके लिए सार्थक होना है ऐसे लोगों को भी आदर करने जो गुण क्या वो गुण ब्रह्म को जाना इसलिए तुलसीदास जी ने ठीक कहा इनको समझना चाहिए तुलसीदास जी के बातों को समझना सहज नहीं बहुत गंभीर बात करते हैं दूसरी बात एक ही महाराज थे उनका नाम था ऋषभ क्षत्रिय थे महाराज क्षत्रिय श्रीमद् भागवत का तो उस ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे जिसमें बड़े का नाम भरत था जिसके नाम से ये भारतवर्ष हुआ वो भारतवर्ष के इस राजा थे इसलिए उनका नाम बड़ा भारत बड़े गुणी थे परम भगवत भक्त थे इनकी कथा हम लोग आपको सुनाएंगे तो ये भरत जी ये क्षत्रिय हुए और नौ गुण
ये राजा बने। तो ये कैसे, ये पिता के बहुत से हो गए, ये जातियां भी भिन्न, इनको भी समझना चाहिए, ये गुण और कर्म के अनुसार भी हो गए। महाराज आप विश्वामित्र को जानते हैं, ये ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए, ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए बहुत तपस्या की। वशिष्ठ जी ने अंत तक नहीं उनको ग्रहण किया, अंत में जब उसके योग्य हुए तो उनको ब्रह्मर्षि कहा गया। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, और भी बहुत से लोग हैं जो कि दूसरे दूसरे जातियों से भी, जैसे कि व्यास जी को कहा, नारद जी कौन से जाति के थे, एक शूद्रानी के गर्भ से जन्मने वाले, और बताइए ब्राह्मणों के भी पाली की और व्यास और सबके की गुरु, इसलिए इस प्रकार से पहले विचार किया जाता था। कहते हैं न जात्या ब्राह्मणस्य क्षत्रियो वैश्य एव न च न शूद्रो न च वैश्य म्लेच्छो भेदिता गुणः। न जात्या, जाति से ही उसका पिता ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इससे जाति का निर्माण नहीं होता। केवल कौन जन्म कुल में जन्मा, पिता माता का विचार, पूर्व जन्मों का संस्कार, उसमें कर्मों का कैसा है, उसके लोगों के साथ में कैसा, उसका स्वभाव कैसे उदित हुआ, ये सब को विचार करके तब जाति का निर्माण होता था। आजकल जैसा नहीं, आज जूते का कारोबार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, मांस मछली भक्षण करते हैं, ये लोग कभी भी ब्राह्मण नहीं कहा, कदापि नहीं। समस्त शास्त्र एक स्वर से इसका अनुमोदन करते हैं। इसलिए गुण होना चाहिए, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही नहीं होगा यदि वो वकालत करता है तो डॉक्टर नहीं होगा, और वकील का लड़का यदि बिजनेस करता है तो वकील नहीं कहा जाएगा। गुण कर्म का अनुसार में सब यदि ये सब चीजें होती हैं तो क्यों नहीं हमारे यहाँ पर भी होती। यदि जाति को ही ब्राह्मण माना जाए तो मरने के बाद में लोग उसको जो जलाते हैं उनको ब्रह्म हत्या का पाप क्यों नहीं लगता, यदि शरीर ही जाति है तो, यह बात ठीक नहीं। यदि कहो ये आत्मा जाति है, आत्मा भी जाति नहीं, आत्मा का भी वो तो सभी भगवान के अंश हैं और भगवान के नित्य सेवक हैं, इसलिए जातियां हमारे कल्याण के लिए, सनातन धर्म के उन्नति के लिए, उनको सुखी बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिससे कि हम लोग क्रमशः धीरे 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 भगवान की तरफ में बढ़े, इस तरह से। नहीं तो जात जन्म से सभी शुद्ध हैं। एतत् जो वा एतत् अकर्म गार्गी विदित्वा समान लोका प्रेमी सम्राट। एक समय महाराज जनक के दरबार में बड़ी भीड़ लगी थी, बड़े बड़े वक्ता लोग वहां पर आए, तो वहां पर एक समय महाराज जनक ने हजारों लाखों गायों को सोने के चादरों से उड़ा दिया, सोने की सींग लगा दी और कुटुब लगा दी, और कहा कि जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्राह्मण है उसको ले जाए, मैं उनको देता हूं, इसलिए आप लोग निर्णय करें कि ब्राह्मण कौन है। सब लोग चुपचाप बैठे, सवार शांत रहे, वहां पर जाके बल्ब जी थे, कहा देखो महाराज जनक जी, जो ब्रह्मविद्या ब्राह्मण है उनके चरणों की धूली हमारे शरीर पर, मैं तो उनको प्रणाम करता हूं, किंतु फिर भी मैं कहता हूं पटु पटु मैंने शिष्य गाय को हां करके हमारे आश्रम में ले चलो। जब हां करके ले जाने लगा वो, तो जितने ब्राह्मण बैठे थे तो बोले तुम कैसे ब्राह्मण हो, प्रमाण दो, और प्रश्न करने लगे। उन्होंने कहा कि देखो सीधी तरह से प्रश्न करो तब उत्तर दूंगा, और यदि उल्टा इधर उधर का प्रश्न किया तुम्हारा सिर उड़ जाएगा, ये समझ रखो, समझ बुझ करके प्रश्न करो। सबकी बात बोली बंद हो गई, कोई नहीं पूछ सका। उस समय एक गार्गी नाम की महिला थी, विदुषी, बड़ी वेदों पर शास्त्रों को जानने वाली, उसने कहा हमारा एक प्रश्न है, कौन सूत्र है और कौन ब्राह्मण है, इसका उत्तर दे दीजिए, और फिर उत्तर देकर के तब गाय को लेकर के हम गए। तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले जो वायतक अखंड गागी अविद्या अविद्या असमान लोका प्रेति सब सूत्र, जो
जो इस ब्रह्म तत्व को जान करके, आत्मा को जान करके इस जगत से चला जाता है वही ब्रह्म है, और जो नहीं जानता वो शुद्ध है, जो शरीर के लिए शोक करता है वो शुद्ध है। दोनों का उत्तर सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और गाय को लेकर के चले गए। इसके द्वारा भी यही प्रमाणित होता है, स्वपचो भी महिमा महिमा विष्णु भक्तो द्विजाति का विष्णु भक्ति ही नश्चती जो अभी स्वपचार श्रीमद भागवत में है स्वपचो अभी महिमा। यदि चंडाल का भी पुत्र कोई हो और विष्णु की भक्ति हो तो वो ब्राह्मण से बहुत उत्तम है, उत्तम है। जिस ब्राह्मण को भक्ति नहीं है, सर्वगुण संपन्न होने पर भी जिसमें भगवत भक्ति नहीं है वो ब्राह्मण तथापि नहीं कहा जा सकता। और किसी कुल में भी जन्म हो, जैसे नारद जी हैं, व्यास जी हैं, श्रृंगी ऋषि हैं, गौतम हैं और सब जो बनता है ब्रह्म तत्व को जानते हैं, भगवान की भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वो ब्राह्मणों में भी पहुंचे। इस तरह से यह प्रमाणित होता है। आजकल कुछ ऐसा प्रचार हो रहा है कि तो वो शास्त्रों के विचार से ठीक नहीं, उसमें गुण होना चाहिए और उनका आदर भी होना चाहिए। यदि जन्म से ही ऐसा होता तो भगवान के सिंह थे तो खंभे से निकले थे, उनकी कौन सी जाति ली जाएगी, कौन सी जाति। और कृष्ण तो गोकुल में आए थे, ब्राह्मण लोग उनका जूठा क्यों खाते हैं, भोग दगा करके। रामचंद्र जी तो क्षत्रिय थे, पराजित तो सुअर रूप में आए थे, उनको क्यों लोग भोग देकर के खाते। इसलिए ये सब विचार कर करके तब हम लोग जाना चाहिए, गुणों का आदर होना चाहिए। जहां जहां पर भी कोई भक्त हो उसको आदर है, जो तत्व को जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण इत्यादि गुणों से ही है कदापि इसका अधिकार नहीं। किंतु ब्राह्मण लोगों का आदर होना चाहिए, यदि उसमें गुण है तो उनका निरादर खबरदार मत करो, थोड़ा सा भी गुण है उनका आदर, ये हमारी भारतीय की रीति है। दूसरी बात, एक प्रश्न ये पूजा पाठ के अवसर पर पत्नी को अपने पति के किस अंग में बैठना चाहिए, एक प्रश्न ये किया। पत्नी पूजा के समय में अपने पति के किस अंग में बाएं तरफ बैठेगी या दाहिनी तरफ। भाई हम लोग तो सन्यासी हैं, हमें याद भी नहीं और इस पर हम लोग विचार भी नहीं करते, तभी शास्त्रों में जो लिखा है हम उसको विचार करके आप लोगों को समाज के वर्तमान पोजीशन से कुछ इसमें इधर उधर हो सकता है। विशेष करके यदि भक्ति है तो इसमें कोई दोष नहीं होता इधर उधर बैठने से, तभी हमारे शास्त्रों में हमने देखा जो ये विचार दिया भगवान रामचंद्र जी के लिए रामचरितमानस में नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम सीता समारोपित पाम भागम। मैं सीता और राम को प्रणाम करता हूं, जो राम के बाएं के तरफ में सीता जी बैठे हैं और राम उस राम को कमल लोचन जो श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं। ये पाम भाग में आया, यहां पर दक्षिण ठाकुर ने लिखा। फिर दूसरी जगह में मानस चौपाई में मानस में भी कहते हैं दक्षिण लक्ष्मण, दक्षिण में रामचंद्र जी के दक्षिण में दाहिने ओर हैं लक्ष्मण जी, पाम को जानकी सुधा और बाएं तरफ में कौन है जानकी सुधा, पर मंगलमयी माता जानकी जी हैं, पूर्व तो मारुति और सामने में मारुति जी अर्थात हनुमान जी इन दोनों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे प्रभु गुरु तिलक है उनको मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर भी पाम अंग में बैठने का कहा गया। पाम भाग सोहति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जल की मूल समस्त लक्ष्मा ब्रह्मी लक्ष्मा रमा और उमा को लाखों लाखों को प्रकट करने वाली जो आदि शक्ति श्रीमती राधिका जी है, पाम भाग सोहति अनुकूला बड़ी सुंदर रूप से वहां पर सुशोभित हो रही है। पाए अंग में यहां पर भी आया, जिस समय रामचंद्र जी का सीता के साथ में विवाह हो रहा था उस समय पूजा हो रही थी, उस समय जनक जी के बाएं तरफ में सुनैना जी बैठी, उस समय में पितरों का पूजन और हवन इत्यादि कार्य और अपनी पत्नी का पानी ग्रहण कराएंगी ये पूजा का समय, तो उस पूजा समय के लिए तुलसी जी ने वर्णन किया जनक बाम
सोह सुनाए ना पूजा करते समय जनक जी के बाएं तरफ में सुनैना की शोभित रही है। कैसे? जैसे उमा जी के विवाह के समय में हिमगिरी संगवती जनु मायना, इसमें हिमाचल जी अपनी पत्नी मायना उनके बाएं तरफ में बैठी हैं और विराट विवाह का पूजा का सारा संस्कार करा करके शंकर के हाथों में पार्वती जी का पाणी ग्रहण करा रही हैं। वैसे ही यहाँ पर महाराज जनक के बाम भाग में सुनैना जी बैठ करके समस्त पूजा का आयोजन सब पूरा करके और तब राम के हाथों में पान पीना है। इसे भी ऐसा पता चलता है। किंतु कुछ लोग ऐसा करते हैं, दाहिने तरफ में पूजा के समय बैठाते हैं, तो मैंने ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा। यदि कहीं समाज की ऐसी रीति है, हमको कोई आपत्ति नहीं, वो अपना समाज के नियम के अनुसार में चले, किंतु शास्त्र ये कहते हैं और शास्त्र का विचार ऐसे करें। अब ऐसा देख करके हमारे इसमें घर बैठा हो, यदि भगवत भक्ति हो तो किधर भी बैठो। और एक बात याद और आती है, शंकर जी ने जब सती का त्याग किया तो बाम भाग में बैठाते थे सब समय में, उनको सामने आसन दिया माता का, बाएं तरफ ने कभी नहीं बैठाया और इसीलिए सती जी वो आग में चल गई। इसलिए इसके अतिरिक्त भी आप लोगों के पास में कुछ जैसे यज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है और 18 स्मृतियां हैं, उनमें आप लोग देखेंगे। पहले हम देखते थे, अब सब कुछ देखना छोड़ दिया, अब तो हम केवल भगवत भक्ति में, राधा कृष्ण की भक्ति में हम रमते हैं। इन प्रश्नों को आपने कहा था, इसलिए मैंने संक्षेप में जैसा शास्त्रों का विचार में आप, हमारा किसी में हर्ष नहीं हो, शास्त्रों का विचार आदमी ग्रहण करे तो अच्छा। अब मैं अपने विचारों श्रीमद् भागवत श्रीमद्भागवत में पहले ही बताया गया, श्री सुको उवाच, ये महाराज परीक्षित बड़े विद्वान थे और बुद्धिमान थे, भगवान की गोदी में खेले थे। जब कृष्ण जिस समय थे उस समय जिस समय इनका जन्म हुआ, माता के गर्भ में थे, जब अश्वत्थामा ने बाण मारा तो उनके गर्भ में प्रवेश करके उनको जला रहा था, उस समय भगवान उसके भीतर में प्रवेश कर प्रवेश करके और उसकी रक्षा की। वो सब समय देखता है, यही तो भगवान को नहीं, यही भगवान को नहीं जिन्होंने हमको हमारी रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित, परीक्षा करते। एक समय में वो कहीं अपने राज्य में विचरण कर रहे थे और विचरण करते 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 उनको दोपहर का समय हो गया, बड़ी जोर से प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिला, पानी से छटपट करते हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे अपने ही राज्य में और उसे पानी मांगा, किंतु वो ध्यान में मग्न था, समाधि में लगी, उसे शरीर का होश नहीं, भगवत चित्त अपने चित्त को भगवान में लगा दिया था। उस समय में उनके पानी मांगने पर बार बार भी मांगने पर बेचारे वो अपने आसन से उठ करके पानी नहीं दिया। उन्होंने कहा तो जैसे आज लोगों का विचार है, पानी नहीं पिलाता है कोई, अस्पताल नहीं बनाता, स्कूल नहीं बनाता, रोगों की सेवा नहीं करता, तो ये कैसा धार्मिक है। इसलिए परीक्षित महाराज ने सोचा उस समय में कि शायद हमको देख करके ये चुप हो गया है और समाधि लगा दिया, हमसे बोलना नहीं चाहता है, हमारा निरादर कर रहा। जब जब बात तो थी नहीं ऐसी, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही लोगों के अनुसार में सोचा, ऐसा लोग समझते हैं और इसलिए देखा जे नहीं करते। अच्छा तो इनको उपहार देना चाहिए, एक मरे हुए सांप को अपने धन से उठा अपने गले में लगा दिया, तीन बात को कर और चले अपने आश्रम को, अपने घर पर। फिर सोचा, कहूं मैंने ये गलत किया या ठीक किया, जब ये सचमुच में ये समाधि में हो
तब तो मैंने बहुत पूरा था, तब तो न जाने हमको कौन सा दंड मिलेगा। और जब इस सचमुच में ना हो तो कोई बात ही नहीं, ऐसे ही सोचते जा रहे थे। इतने में उनका लड़के ने सुना कि हमारे पिताजी के गले में किसी ने सांप लगा दिया। सुनकर के बड़ा क्रोधित हो गया। 5 वर्ष का लड़का नंगा बच्चों के साथ में एक नदी के तट पर वो घूम रहा था, जैसे ही सुना बड़ा क्रोधित हो गया वो बच्चा और उठाया पानी और आचमन करके और कुछ चिंतन करके मंत्र पढ़ करके कहा, जिसने हमारे पिता का जीवन अपमान किया है वो मालूम होता है कि राजा परीक्षित है। आज हम जो हम अपने जगह के लिए जिनको अपना रक्षक बना करके पहरादार बनाया था वो पहरादार कुत्ते आज हमारे यज्ञशाला में घुसकर हमारी बिना इच्छा के हमारी इच्छा के विपरीत हमारी यज्ञशाला की चीजों को खा रहे हैं। मैं अभी उनको दंड दूंगा। समझ रहे हैं इसका? हमने यज्ञशाला की रक्षा करने के लिए अपने धर्म की रक्षा के लिए हम लोग निश्चिंत होकर के करेंगे कि उनको अपना प्रहरी नियुक्त किया था। हमारा शासन करने वाले ये लोग नहीं है क्षत्रिय लोग, हमने इनको दिया है ये सब शासन करने का अधिकार। और आज हमारी यज्ञशाला में प्रवेश करके हम ब्राह्मण के ऊपर में ये शासन कर रहे हैं, उनको शासन देने वाले हैं। मैं आज उनको अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा। ऐसा करके पानी लेकर प्रोत्साहन करके जाओ, जिसने ये ऐसा किया वो 7 दिन में यही साफ या कोई तक छाप उसे दसे गाल मर जाएगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। आकर के पिताजी की गोदी में बैठ गया, रोने लगा। पिताजी की का समाधि बेटा क्यों रो रहा है, रो रहा है बताओ? तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे काम गले में शाम किस में डाल दिया। अच्छा शाम डाल देखा तो कौन डाला? वो महाराज परीक्षित प्यास से भूखे आए, प्यास से भूखे और अब उससे पानी मांगा मैं नहीं दे सका। उस समय कुछ बच्चे चंचल उनका था, इसलिए सम्मान में बड़े धार्मिक राजा तो हैं। अरे बेटा तुम इतना ब्राह्मण का गुण तुम्हें नहीं, सहिष्णु नहीं, तुमने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, क्रोध में उनको अभिसंपात कर दिया, तुम्हें सहिष्णुता नहीं है, तुम ब्राह्मण होने योग्य नहीं, ऐसा अभिसंपात कर। फिर बोले अपने दूसरे भटु को अपने छात्र को कहा, जाओ महाराज परीक्षित को कहा जो होनी है सो तो हो ही। क्या तो तर्क बढ़ाओ साखा है, जो होनी सी तो हो गया, वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने साथ साथ उनको भेजा, जाओ कहा हो कि 7 दिन उनको पर ये सब दसेगा, पहले जो कुछ करना है वो तैयार हो जाए। कोई है सोई जो राम रची राखा को करतर का बढ़ा हो इसका। बस उन्होंने उसको कह दिया। वो जा करके महाराज परीक्षित अभी रास्ते में जा रहे थे, कहा महाराज परीक्षित हमारे गुरु जी ने ये आदेश दिया कि 7 दिन आपको पक्ष काटेगा, शाम कोई रक्षा नहीं करेगा, उनके बेटे ने ऐसा आदेश जिससे आपका कल्याण जिसने हो। साथ ही साथ बड़े प्रसन्न हुए, हमारा कोई अनिष्ट नहीं हुआ, शरीर तो आज नकल अपने आप जाएगा, मैं नरक में नहीं गया, मेरा कुछ भी आत्मा की हानि नहीं हुई, मैं बहुत गुणी से सोता था इस राज्य पाठ को छोड़ करके भगवान का भजन करूंगा, फिर कुछ समय नहीं आ रहा था, आज मेरा समय आ गया, ये हमारे लिए वरदान है। ऐसा तो करके बड़े प्रसन्न हुए और घर नहीं गए, वहीं से बेटे को राज्य भी नहीं दिया, ऐसे ही वहां से राजपाट सब छोड़ करके मुकुट को और धनुष को सबको त्याग दिया, राजवेश भी त्याग कर दिया और गंगा के समीप वहां पर आकर के गंगा जी के सामने बैठ करके और प्रायोपवेशन में बैठ गए। प्रायोपवेशन मैंने क्या, भूख त्याग छोड़ दिया खाना पीना और छोड़ करके बैठ गए और चिंतन करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ में हजारों ऋषि लोग वहां पर उपस्थित, 88,000 से अधिक ऋषि महर्षि, न जाने कश्यप ऋषि कश्यप काश्मीयंशी से और कोई मंगोलिया से मंगल ऋषि और कोई कहां से सभी लोग कैसे उस समय में पहुंच गए एक सेकंड के अंदर में, जब बेतार तार कुछ भी नहीं था। कितना उन्नत हमारा बात था उस समय साइंस था, यदि उनकी मैया का संवाद श्रद्धान जीवों के लिए और कल्याणकामी जीवों के लिए जो कल्याण चाहते
उसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, उसको श्रवण करना चाहिए। उसमें जीवों का क्या कर्तव्य है, जीव है क्या चीज, इस सब का विशद रूप से वर्णन किया गया है। शुभानंद श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी संक्षेप में इसके सात तत्व को आप लोगों के सामने वर्णन करें। इसके बाद मैं श्री आर शुक्ल इसके संबंध में कुछ आप लोगों के सामने आपको धैर्य के साथ में सुनेंगे। ॐ अज्ञातिरां भस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तराले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अभी अभी श्रील महाराज जी ने आज्ञा दी है श्रीमद् भागवत की कथा प्रसंग में भगवान कपिल देव ने माता देवती को उपदेश दिया है और वह एक शिक्षणीय विषय है जिसमें समस्त प्रकार के संसार के सृष्टि तथ्य का विषय वर्णन होता है। भगवान कपिल देव जो माता देवती के गर्भ से जन्म लिए तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम ऋषि। उन्होंने बहुत काल तक भगवान की आराधना की, भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि श्यामो मनो की कन्या देवती से तुम्हारा विवाह होगा, श्यामो मनो वे अपनी कन्या को संप्रदान करेंगे और उसी के गर्भ में मैं ही अवतार ग्रहण करूंगा, इसलिए ही कर्दम ऋषि कोई चिंता मत करो। वही हुआ कि तीसरे दिन पर श्याम मनु अपनी कन्या देवती को लेकर के उनके आश्रम में उपस्थित हुई और कर्दम ऋषि को संप्रदान किया। पश्चात कालक्रम में देवती की नौ कन्याएं हुई और उन कन्याओं को ब्रह्मा जी ने ऋषियों से विवाह करा दिया। इसके पश्चात कर्दम ऋषि जब सन्यासी बनकर के जाने लगे, घर से निकलने लगे, देवती रोने लगी तो बोले कि हम अकेले हैं, हमारे पास कोई संतान नहीं। फिर कर्दम ऋषि कुछ दिन तक घर में प्रतीक्षा किए जो भगवान पुत्र रूप में अवतरित किए भगवान कपिल देव। जब भगवान कपिल देव कुछ इस संसारिक दृष्टि से जब कुछ बड़े हो गए तब कर्दम ऋषि ने प्रभु से प्रार्थना की और घर से विदा लेकर के चले कि प्रभु अब ये एकांत भक्ति में हम लग जाए और आप में हम तन्मय हो जाए। इस प्रकार सन्यासी बन करके घर से निकल गए तो माता देवती को बड़ा दुख हुआ, रोती हुई विकलता की स्थिति में भगवान कपिल देव से प्रणाम करके कही, हे तात हे वत्स, मैंने इस संसार में मन लगाया और जीवन भर इसी संसार में दे दिया, कभी भी परमार्थ के विषय में सोचा नहीं, चिंता नहीं की कैसे आत्मा का कल्याण होता है। ऐसे कोई सहज सरल उपाय जो अति सहज रूप में आराधना करते हुए हम भगवान के लोक में पहुंचे और इस संसार से पार हो जाए, ऐसा कोई उपाय होता है। उस समय भगवान कपिल देव मृदु हास्य के साथ माता के उस दुख का निवारण करते हैं, दुख को हरण करते हैं। बड़े प्रसन्न चित्त से कहा, हे माता, मैंने पहले कभी ऋषियों को उपदेश दिया था, वही आध्यात्मिक जो
करता है वैसे ही उसको संगत मिलता है, उसी तरह से बंधन होता है। प्रसंगम अजरं पासम आत्मनो अवयोगितो, ये प्रतिष्ठ रूप से संग, ये सुदृढ़ पास है। स्वयं साधु संस्कृतो मोक्ष द्वारम अपाकृतम, जब संसार में आसक्त हो जाता है तब बंधन होता है, और वही प्रसंग जब साधु संतों के बीच में होता है तो भगवान की चर्चा भगवान की कथाओं के द्वारा संसार से मुक्त हो जाता है। हम लोगों का मन ही बंधन का कारण और मुक्ति का कारण बनता है। जब विषयों में अनुरक्त होता है, प्रकृति के गुणों में अभिभूत होता है, तब इसके द्वारा बंधन होता है। दुख कष्ट सुख दुख लाभ लाभ जय पराजय मान अपमान जस अपजस इसका अनुभव होता है। और जब भगवान में चित्त लगा देते हैं, उनके नाम रूप गुण लीलाओं में डूब जाता है, मन उसी में रंग जाता है, तो संसार से मुक्त हो करके प्रभु के चरणों में चला जाता है, उनके प्रेम को प्राप्त करता है। इसलिए हे मातर, इस संसार में रहते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का, सज्जनों का, संतों का संग करना चाहिए, यही जीवन का कल्याण है। कल्याण का मार्ग है, और कोई उपाय नहीं। संत पुरुष की सेवा करें और उनका संग करें। माता देवती ने कहा कि संत पुरुष कौन है, मैं कैसे पहचानूं कि ये संत है, फिर उनका संग करना चाहिए और उनका संग करें, इसका लक्षण क्या है। तब भगवान कपिल देव ने कहा कि हे माता, तितिक्षव कारुणिका श्रेणी सर्वदेहिना अजात सत्रव सांता साधव साधु पुरुषा मई अनंत भावेन भक्ति कुरुवन्ते देवतेनां मत्कृते तत् कर्मान् तत् सजन बांधवा। जो लोग सहिष्णु हैं समस्त प्रकार की विपत्तियों में, जिनके अंदर सहनशीलता कभी भी चित्त चंचल नहीं होता, कारण का सबके प्रति करुणा पर है। श्रुहित सर्वदेहिना समस्त प्राणियों के श्रुहित है, बंधु है। अजात शत्रु जीवन में किसी को शत्रु रूप में नहीं माना और नहीं समझा नहीं देखा। शांत विषय वासना से रहित प्रशांत गंभीर चित्त जिनके, ये समस्त साधुओं का आभूषण है बाहरी लक्षण। और अंतर लक्षण में मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति, भगवान के प्रति अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। भगवान के लिए, प्रभु के लिए जीवन का सब कुछ त्याग कर दिया है, सबकी आसक्ति सबका मोह त्याग कर दिया है और एकांतिक रूप से प्रभु का भजन करता है। ऐसे व्यक्ति ही साधु हैं। तेते सारव साथी, हे मातर, ऐसे साधु व्यक्ति हैं, उन साधुओं का संग करने से सर्व संग दोष हरावित है। समस्त प्रकार संग दोष विषय आसक्ति संसार मोह छूट जाता है। इसलिए ऐसे संत पुरुषों का संग सतम का संग मम बीज संबिदो भवन्ति हितकर रसायन कथा। संतों के प्रसंग में साधु संतों के समाज में जाने से भगवान के वीर्यवती कथाएं होती, बड़ी प्रभावशाली कथाएं। उन कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से, श्रवण करने से मन का जावतीय संशय दूर हो जाता है, समस्त प्रकार संशय दूर होता है, कर्म बंधन पाप दाह सब कुछ दूर चला जाता है। भगवान की कथाओं में प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के साथ में जब भजन साधन करने लगते हैं तब साधन भक्ति कही। इस प्रकार भजन साधन करते करते भाव भक्ति होती है और भाव के साथ भगवान के चरणों में प्रेम लाभ होता है।
भगवान भी लग जाता है, प्रकृति के गुणों से निर्मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भजन करते करते क्या होता है कि जरयति आसु आसु कोशम निर्गेण मनरो यथा। जितने प्रकार के बंधन हैं, जितने प्रकार का अनर्थ है, ये समस्त अनर्थ दूर हो जाता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। निर्गेण मनरो यथा, भोजन करने पर जठराग्नि जैसे पचाने लग जाती है, और एक बार भोजन करें तो दो चार घंटा छह घंटे बाद फिर से भूख लगता है, संपूर्ण रूप से हजम हो जाता है। तो ये रोटी खाना भी खाना होता है, भोजन होता है, और पेट भर भोजन भी भोजन होता है। जब तक पेट भर भोजन नहीं हो तब तक शरीर की पुष्टि मन की संतुष्टि नहीं होती और भूख की निवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार भजन साधु में जब पूर्णता आ जाती है, प्रबल आसक्ति और उत्कंठा के साथ में भजन करने लगते हैं, तब भजन की पूर्णता कुछ मात्रा में अनुभव होती है। ऐसे समय में हे मात भगवान का कुछ अनुभव होता है। जब आसक्ति के साथ में भजन करते हैं, जब भावयुक्त होकर भजन करते हैं, उस समय संसार के और किसी भी वस्तु के प्रति स्प्रिया नहीं होती, एकमात्र प्रभु की सेवा में लग जाते, निरंतर भगवान की सेवा में डूबे रहते। ऐसे समय में भावयुक्त हृदय में प्रभु का कुछ अनुभव होने लगता है। ऐसे स्थिति में मुक्ति भगवान भक्तों को मुक्ति देने पर भी भक्त लोग प्रभु की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। भगवान भक्तों को सालोक्य भगवान के लोक में वास, सामीप्य भगवान के समीप में वास, भगवान के समान रूप सारूप्य और शास्त्री भगवान के समान अतुल ऐश्वर्य ऐसे सब प्रदान करते हैं, पर तो भक्त लोग वे सब नहीं चाहते हैं। वे तो चाहते हैं कि प्रभु की सेवा मिल जाए। इस प्रकार तो इन दर्शनीय अवय अवे भगवान के दिव्य मनोहर रूप का अनुभव करते, उनके स्मरण में स्फूर्ति में और कभी कभी साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट होकर के दर्शन भी देते। इस प्रकार भक्तों के भक्ति में प्रभु भगवान ए भगवान भक्तों के सामने आ जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। और ऐसे भक्तों को मुक्ति देने पर भी कभी भी स्पृहा नहीं करते। वे लोग निरंतर भागवतों का संग करते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, और भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए निरंतर उस सौभाग्य को जययुक्त करते हैं। इस प्रकार के मात्र भगवान की भक्ति करने वाला ही सबसे बड़ा कुशल है, और यही भक्ति योग सबसे उत्तम योग है। संसार में लोग गुण कर्म स्वभाव में बंधे हुए विभिन्न प्रकार के हैं, तो उनकी भावना के अनुसार लोग अपने अपनी भावना के अनुसार भक्ति को जोड़ लेते हैं। इसलिए संसार में देखा जाता है बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि मारा उजागर मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए हिंसा विद्वेष के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। इधर मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उधर मारण उजागरण हिंसा विद्वेष तामसिक भाव से भजन करते हैं। तो ऐसे भक्ति को कहा जाता है तामसिक भक्ति। क्यों ये समस्त फल की सिद्धि के लिए भक्ति कर रहे हैं? इसलिए तामसिक भक्ति। बहुत से लोग धन दौलत पाने के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं, विषय संपत्ति संसार सुख भोग ये सब की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं, ऐसी भक्ति को राशि भक्ति कही जाती है। बहुत से लोग मुक्ति के लिए आराधना करते हैं, हे प्रभु हमें मुक्ति मिल जाए, मुक्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, इसको सात्विक भक्ति कही जाती है। और जहां पर केवल प्रभु प्रति
और उनकी प्रसन्नता के लिए हो, तब यह शुद्ध भक्ति है, उसके द्वारा जीवन का सब कुछ लाभ होता है। अन्यथा कोई भगवान की पूजा करता है, भगवान को फूल चंदन चढ़ा रहा है और उधर दूसरे प्राणियों से हिंसा करता है, तो उसकी पूजा ऐसी है कि भस्मनी जो होती हे मातर, ऐसी पूजा जो है राग में घी ढाल के बराबर, ऐसी पूजा भगवान कभी ग्रहण नहीं करते, न उनकी पूजा है ये आडंबर मात्र, लोग दिखावा मात्र। इसलिए प्राणियों में भगवान सर्वत्र विराजमान है, सबके अंदर है, अतः सबको आदर कर, सबके प्रति दया मैत्री करुणा और श्रीमद् भागवत शास्त्र में श्रद्धा, भक्त जनों में मैत्री भाव, बंधु भाव और भागवत परमहंस संत महापुरुष मिल जाए तो उनके प्रति आदर श्रद्धा भक्ति कर, उनकी सेवा कर। इस प्रकार करते हुए भगवान की आराधना करें, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। हे माता, बहुत से लोग ध्यान धारणा समाधि लगाते हैं, जो साधना करते और अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा को हृदय में ध्यान करते हैं, और ऐसे योग समाधि के द्वारा चित्त को एकाग्र करके ब्रह्मलोक तक जाते हैं और वहां जाकर के रिद्धि सिद्धि चमत्कार को प्राप्त करते हैं, अनिमा मणिमा लघिमा आदि, परंतु इसके द्वारा कदापि उनके हृदय में शांति नहीं होती। बहुत से लोग ज्ञान साधना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी कर लेते हैं, परंतु वहां जाकर के निर्विशेष ब्रह्म में पड़े रहते हैं। इसलिए जीव संसार से निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और बहुत से लोग कर्म मार्ग में कर्मयोग का अवलंबन करते हैं, परंतु हे मातर, इस संसार में आकर के कर्म करते करते जी चाहते हैं इस कर्म बंधन से निकलने को, परंतु निकल नहीं पाता है। यदि जीव कोई सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, निष्पाप इस प्रकार के कर्मों को करते हैं तो अंत में चंद्रलोक तक पहुंचते हैं और अधिक पुण्य हो तो स्वर्गलोक तक जाते हैं, परंतु उस स्वर्ग सुख को और चंद्रलोक में दिव्य सुख को भोगते हुए फिर वहां से निकल के चले आते हैं। और जो व्यक्ति इस संसार में आकर के केवल विषयों में चित्त लगाया और भोगों में आसक्त रहे, अन्याय पूर्वक पाप कर्म करते हुए संसार में जीवन धारण किया, ऐसे व्यक्तियों का जीवन अति कष्टमय होता है। अंतिम समय जब आता है, श्वास काश रुद्धायते, उस समय गला घड़घड़ाने लगता है और लंबी लंबी सांसें चलती है। मृत्यु शैया में सुदेव जीवन भर जैसे जैसे कर्म किया, जो कुछ किया, अंतिम समय आने पर वही चिंता करने लगते हैं और बड़े दुखी होकर के पीपल होकर के पड़े हुए हैं, चारों ओर बंधु बांधव घिरे हुए रो रहे हैं, असमर्थ है, अकल्ले जो बोल नहीं पाते, केवल देख रहे हैं परंतु कुछ वाणी और निकलते नहीं, कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे समय में शरीर मन और वाणी से जो पाप कर्म किए हैं, जब के तीनों दूत आते आकर के उनके गले में फंदा लगा करके उसके आत्मा को निकाल देते। शरीर से निकालते समय बड़ा कष्ट होता है, यंत्रणा में छटपटाते हुए और बड़े भयंकर विकराल स्वरूप जमदूतों को देख करके एकदम घबरा जाता है, डर जाता है। ऐसे स्थिति में जमदूत उसे पकड़ करके ले जाते हैं 99,000 योजन पर, दो मुहूर्त तीन मुहूर्त की स्थिति समझ में ही खींच के ले जाते हैं जमदूत की, और जब महाराज उसका दंड विधान करते हैं, अनेकों प्रकार के नरक यातना है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा उन कष्टों को भोगते हुए, दुखों को भोगते हुए जब कर्म की शुद्धि होती है, फिर से ये संसार में आते हैं। जब जीव आते हैं तब आते समय ये बादल में मिल जाते हैं पानी में, और वर्षा के कारण वर्षा के साथ में इस पानी में धरती में आ जाते हैं। लोग पानी पीते हैं, प्राणी पानी पीते हैं, तब उस पानी के साथ में आत्मा शरीर के अंदर
भगवान का स्मरण होता है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं कि प्रभु इस संसार में जा करके आपकी हम आराधना कर सके, ऐसे हमें शक्ति दे। माया में हम भूले, साधु संतों का संत हमें प्राप्त हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और जो जीव भगवान से विमुख है उनको भगवान का स्मरण नहीं, छटपटाते मातृगर्भ में 8वें महीना से लेकर के 10 महीना तक मातृगर्भ में प्रसूति वायु अपान वायु के द्वारा धन का प्राप्त हो करके बहिर्गत होता है, संसार में जन्म हो जाता है। जन्म होने के साथ में रोने लगता है, जो पहले का स्मरण था सब भूल गया और धीरे धीरे इस माया में आसक्त तो हो जाता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी लिखा है कीर्तन में कि जनम का जननी स्नेह के भूलिया संसार लागी तो भालो, आदरे रछले स्वजने रख बोले हसिया काटा निकालो। अब जनम जननी माता पिता के स्नेह और प्यार में आकर के जीव भूल जाते, पूर्व स्मरण पहले का जो स्मरण था वो सब धीरे धीरे भूलते चले। जब तक बोलने की क्षमता आए, बात शक्ति आए और बोलने सीखने लगे, धीरे धीरे पीछे का सब भूलते चले। और संसार में मन लगाया, ध्यान लगाया, संसार में आविष्ट हुए, सामने सामने जो कुछ वस्तु आया, जैसे जैसे आया तब उसी में आसक्त तो होते चले। इसी प्रकार यदि असत प्रसंग में, दुष्टों के संग में, असत प्रसंग में चला गया तो फिर से अनंत काल के लिए नरक यातना का भोग करते, उससे रिहाई नहीं। इसलिए हे माता, इस कर्ममय संसार जो है, इस कर्म की गति जमलोक और चंद्रलोक तक, अधिक से अधिक अधिक पुण्य करें तो स्वर्गलोक तक पहुंच सकते, परंतु पुण्य के समाप्त होने पर भी इसी धरती में आना पड़ेगा। इसलिए इस कर्म के द्वारा कभी संसार से निकल नहीं पाता। अतः हे माता, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा जो परम पुरुष भगवान की आराधना करते तो उनकी आराधना करते हुए वे निकल जाते हैं और उनके चरणों में अहित की भक्ति प्रेम को लाभ करते हैं। जो लोग दूसरे देवी देवताओं की उपासना में इधर उधर में लग जाते हैं, उनकी आराधना से कुछ भी नहीं हो पाता, केवल सांसारिक फल को लाभ करते हैं। इसलिए संसार से उद्धार नहीं हो पाते। भगवान कपिलदेव ने कहा, हे माता, यथा करोड़ मूल से चरे त्रिपंक्ति तत्स्कंद भूयो वसाथा प्राणो महाराज जथेन्द्रियाम तथैव सर्वा अनाराम अच्युतेत्या। पेड़ के जड़ में पानी डालना पड़ता है, जड़ में पानी डालने से डालियों में पत्तों में सब हरा भरा हो जाता है, सब में पानी पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी चाहे कि हम पेड़ के जड़ में भी पानी डाले और पत्तों को भी धुलाई करते सफाई करते उसमें भी पानी डाले, भले ही डाले वो डालने से चलेगा, कोई बात नहीं। परंतु भोजन प्राणों बहारियाम भोजन कहाँ देंगे, भोजन तो सब शरीर में सब जगह थोड़ा थोड़ा करके बांटा नहीं जाएगा, वह केवल मुख में ही दिया जाता है। मुख में भोजन देने से समस्त प्राण सतेज होता है, समस्त इंद्रियां सतेज हो जाती है, नाक में कान में सिर पर हाथ में पैर में सब जगह नहीं बांटा जाएगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, उनकी आराधना करने पर सबकी आराधना हो जाती है। इसलिए हे माता, एकांत रूप से मात्र भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो, उनकी भक्ति की जाए, यही जीवन का एकमात्र सार है। इस प्रकार भगवान कपिल देव थे, माता देवी थे, कहते हुए हम सबके लिए ये बड़ा सुंदर उपदेश दिया है जो भक्ति योग के विषय में वर्णन किया है। इस प्रकार माता देवी थी भक्ति करते हुए भगवान में चित्त लगा करके आविष्ट हो गए और भगवत गति को प्राप्त किया है। तो हमें इस प्रकार भक्ति योग में ही प्रवेश करना है। मैं यही कहते हुए अपना वक्तव्य ही रखता हूँ। आप लोग
इसको परम सत्य मानेंगे और ऐसे ही आचरण करने की चेष्टा है। ये मत समझिए कि मृत्यु के समय में जम के भूत आते हैं, ये झूठ बात है, परम सत्य बात है। भगवान की कृपा से आप लोगों को याद नहीं रह पहले जन्म की, या जन्म में जो कष्ट होता है आपको याद नहीं रहती, वो तो जाते पर भक्ति थे उनको याद थी, हम लोग भूल जाते हैं कि तो यह परम सत्य है, इसलिए इनको झूठी बात मांग करके और इसकी अवहेला मत करें, भगवान का भजन करें। यह विषय बहुत गंभीर था, जीवों का क्या कर्तव्य है प्रसाद सर उन्होंने बताया, किंतु उसको ध्यान करना जरा गंभीर बात है, तो आपका दिमाग थक गया होगा, इसलिए कीर्तन करो तो मेरे तो जय राधा रमन हरि को बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल।
Vasudeva, Krishna said, you should go back to your homes. But the gopis did not go back. But with the Dvijapatnis, Krishna said, you should go back to your home, and they went back. They made offense. Why the gopis did not obey Krishna? You can tell. And then return and